बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए जनाब, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेट के मुतालिक बात करेंगे कि इंटरनेट की कितनी वेबसाइट हैं जिनसे आप ना वाकिफ हैं। इंटरनेट आज के दौर में इंसानों के लिए एक अहम ज़रूरत और आदत बन चुकी है और शायद अब इसके बगैर ज़िंदगी नामुकम्मल लगती है। आज मैं आपको कुछ ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊँगा जो आप इनके बारे में सुनकर हैरान हो जाएंगे। 10minutesemail.com नंबर एक। मौजूदा सामिन, ये एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर विजिट करते ही आपको एक ईमेल कर दिया जाता है जिसके लिए आपको कोई फॉर्म या कोई साइन इन नहीं करना पड़ता और ये ईमेल 10 मिनट का खुद बहुत ख़त्म हो जाती है। नंबर दो, rq.org। इस वेबसाइट के ज़रिए आप किसी भी वेबसाइट पर उसका पुराना लुक देख सकते हैं, यानी अगर आप YouTube का 10 साल पुराना लुक देखना चाहते हैं तो अपनी मतलूबा सेटिंग के मुताबिक तारीख सेट करके एंटर का बटन दबाएंगे तो आपको YouTube का वही लुक 10 साल वाला पुराना नज़र आएगा। नंबर तीन, radio.garden। ये वेबसाइट आप दुनिया के तमाम रेडियो चैनल सुन सकते हैं। आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर अपनी पसंद की जगह तलाश करके वहाँ के जितने भी चैनल हो इनको ऑनलाइन सुन सकते हैं। essaytapper.com, ये वेबसाइट मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि इसमें अगर आप किसी जगह पर किसी चीज़ का आर्टिकल लिखना चाहें तो ना सिर्फ इसका नाम लेकर इंटर दबाएं, अपने आप अपने जोर से जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके सामने लिखती जाएगी। algorithmia.com, ये वेबसाइट फुट स्टूडियो में काम करने वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त और आसान टूल है। ये इन लोगों के लिए जो अपना ब्लैक एंड वाइट तस्वीर को कलराइज करना चाहते हैं, तो इस वेबसाइट के ज़रिए बगैर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से अपनी तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट कलर में तब्दील कर सकते हैं। कंप्यूटर या मोबाइल आप पर अपनी तस्वीर को सेलेक्ट करें और इंटर का बटन दबाएं और कुछ ही देर में आपकी तस्वीर कलर फोटो में तब्दील हो जाएगी। remove.bg, ये वेबसाइट भी तस्वीर एडिटिंग में यानी किसी तस्वीर का बैकग्राउंड चंद सेकंड में ख़त्म कर देने में काम आती है। पहली वेबसाइट की तरह इसे भी किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थी आज की वेबसाइट। अगर ये वेबसाइट आप सर्च करना चाहते हैं तो ये इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।